हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 5 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द डिमेरिट ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें क्या क्या डिमेरिट थे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं कि क्या डिमेरिट थे मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। ओके, तो सबसे पहला क्या था कि ही वॉज अनेबल टू लोकेट हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। वो हाइड्रोजन को एक फिक्स पोजीशन नहीं दे पाए थे पीरियोडिक टेबल में, तो ये था उनका पहला डिमेरिट। ठीक है, दूसरा क्या था कि एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर। ठीक है ना, इंक्रीज इन एटॉमिक मास वॉज नॉट रेगुलर। कहने का मतलब क्या कि जो एटॉमिक मास है रेगुलर मैनर में नहीं बढ़ता, वो पॉइंट में भी बढ़ता है। एटॉमिक नंबर रेगुलर बढ़ता है, जैसे कि एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, फोर, फाइव, लेकिन एटॉमिक मास ऐसा नहीं है। एटॉमिक मास पॉइंट में भी बढ़ता है, तो जब पॉइंट में बढ़ेगा तो आप बताओ दो और तीन के बीच हम कैसे पता करेंगे, या दो और पाँच के बीच कैसे पता करेंगे कितने मतलब और नए एलिमेंट खोजे जा सकते हैं फ्यूचर में। आप इस चीज़ को ध्यान से समझो, लाइक एटॉमिक नंबर पर तो हम तो बता सकते हैं ना कि दो और पाँच के बीच दो और आएंगे, एक तीन और एक चार। एटॉमिक नंबर पे तो हम बता सकते हैं कि दो और पाँच के बीच दो और आएंगे, एक जिसका एटॉमिक नंबर तीन होगा, एक जिसका एटॉमिक नंबर चार होगा। लेकिन एटॉमिक मास के साथ ऐसा नहीं है, वो ऐसे नहीं बढ़ता। एटॉमिक मास एक, दो, तीन, चार, पाँच नहीं बढ़ता, वो पॉइंट में भी बढ़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसा भी हो सकता है कि 5.001 हो जाए। ठीक है, मान लीजिए, तो फिर आप कैसे पता कर पाओगे कि दो एलिमेंट के बीच और कितने नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे। तो ये प्रॉब्लम था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कि जो अभी डिस्कवर नहीं हुए, ये टू बी डिस्कवर्ड, मतलब कि वो एलिमेंट जो अभी डिस्कवर नहीं हुए तो उनका जो हेंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये टू बी डिस्कवर वाज नॉट प्रेडिक्टेबल। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में ये पता नहीं लगाया जा सकता था कि दो एलिमेंट के बीच और कितने नए एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होंगे या नहीं होंगे, ये सियोरिटी नहीं था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। तो ये था सेकेंड नंबर पॉइंट। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या था, लेटर ऑन आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स वेयर फाउंड्स विच वायलेटेड मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल है ना, वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज था। तो अब जरा सोचो, एटॉमिक मास पे अरेंज है और आइसोटोप्स आपको पता है कि सेम एलिमेंट विथ टू डिफरेंट एटॉमिक मास, जैसे कि क्लोरीन, तो क्लोरीन का 35 और 37। तो अब आप दो जगह आपको रखना पड़ेगा सेम एलिमेंट्स को, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। तो जैसे ही आइसोटोप्स डिस्कवर हुआ, आप ऐसा कर नहीं सकते हो, आप दो जगह नहीं रख सकते हो, तो जैसे ही आइसोटोप्स का डिस्कवरी हुआ तो फिर से प्रॉब्लम हो गया कि एक ही एलिमेंट को दो जगह कैसे रखेंगे, क्योंकि दो उसका एटॉमिक मास है, तो तब तो आपको रखना पड़ेगा, लेकिन आप कैसे रख सकते हो एक ही एलिमेंट को दो जगह। तो ये तीन डिमेरिट थे मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में।